एक गिलास और सुनिए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, प्रशांत भैया जिंदाबाद, प्रशांत भैया जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो, हमारे नेता कैसे हो। 134 उजियारपुर विधानसभा के प्रत्याशी हमारे माननीय प्रशांत कुमार पंकज जी, जो सुबह से ही रोड शो का आयोजन किया हुआ था उसमें अभी अभी समाप्त करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे आ रहे हैं उनका और प्रखंड अध्यक्ष हमारे जो मंच के संचालन एवं अध्यक्षता करेंगे उनका हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं और हम इस मंच को उनको सपोर्ट करके आइए। तो हमारे आज इस चिलचिला की धूप में अपने लोकप्रिय नेता भावी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को सुनने आए तमाम इस उजियारपुर विधानसभा के सम्मानित प्यारी जनता और उपस्थित माताओं माता तमाम नेतागण मीडिया बंधु, अभी जो स्थिति है तो मैं आप सबों को संबोधित करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि अभी अपना बिहार के बगल में एक छोटा सा बहुत खूबसूरत देश है नेपाल, और आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि वो नेपाल आज तक गुलाम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग आज हजार वर्ष तक गुलाम रहे। यह बात सून पठान मुगल अंग्रेज, तो क्या कारण है कि वो छोटा सा नेपाल गुलाम नहीं रहा और हम लोग आधार हजार वर्ष तक गुलाम रहे। तो एक कारण मेरे समक्ष है कि वो है जमीन, नेपालियों का जमीन नहीं मरा हुआ और हम लोगों का जमीन मर गया। अभी हम लोग उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए बंधक लगा देते हैं, कभी महुआ के लोग को प्रतिनिधि बनाते हैं तो कभी वैशाली के लोग को प्रतिनिधि बनाते हैं और गर्व महसूस करते हैं। चूंकि हम लोग का जमीन मर गया ऐसा बतलाया जाता है कि वही प्रतिनिधि है। इतने में आप लोग अगर अभी इस बार नहीं चेतेंगे, अपने घर के बेटा को ताकत नहीं देंगे, जमीन को मरे हुए जमीन को पुनः खड़ा नहीं करेंगे, तो फिर से गुलाम का गुलाम ही हम लोग रहेंगे और कोई भी उजियारपुर का बेटा नेता नहीं बन सकता। इसीलिए मैं यहाँ तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि जमीन को जिंदा करना है और पानी को भगाना है, अपने घर के बेटा को प्रशांत कुमार पंकज जी को इतना मतों से जिताएंगे कि पटना में हमारी आवाज गूंजती रहेगी विधानसभा में। ये विधानसभा का चुनाव साधारण चुनाव नहीं होता, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साधारण चुनाव नहीं होता है, तो वो कानून बनाने की बात होती है और हम लोग धोखा न कर करके
देंगे तो वो हमारे खिलाफ कानून बनाएंगे। आप लोग को मालूम होगा कि किस तरह से अभी देश में कोरोना का हालात मचा करके लॉकडाउन करके और हम लोगों को बिहार से बाहर बिना सूचना का, मैंने एक सेंसलेस प्रधानमंत्री जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, दिमाग का पैदल है, वो सिर्फ मीडिया के प्रचार प्रसार से प्रधानमंत्री का पद पाया हुआ है और अंधभक्त द्वारा वो जिंदा है। इसलिए वो पैदल प्रधानमंत्री इतना बड़ा देश में बिना सूचना का रात में लॉकडाउन लागू कर दिया, उसे यह नहीं जानकारी है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, रात में लॉकडाउन लागू करके और हमारे बिहार के मंत्रियों को और उनके चेला जो आजकल बन गए हैं नीतीश जी, उनके सभी योजनाओं को आंख बूंद करके डर के मारे चुके। अगर सृजन घोटाला का जांच हो, अगर मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम का जांच हो, तो माननीय हमारे नीतीश कुमार जी जो तथा कथित कहते हैं अपने आप को सुशासन बाबू, वो सुशासन बाबू जेल में जाएंगे। इसी के डर से वे प्रधानमंत्री के लॉकडाउन को पूरे देश में लागू कराए और हमारे बिहारी भाई भाई बहन माता पिता और जितने भी दोस्त हैं वो किस तरह से फटे हाल मर करके मरते हुए भूख प्यास से यहाँ आए और मुख्यमंत्री घोषणा की है कि बिहारी बिहार से बाहर नहीं रहेगा। ये लगता है उनका बपौती है, बिहार नीतीश कुमार जी के बाप का नहीं, बिहार हम लोगों का है, हम लोग के लिए जो हम लोग के हक के लिए, हम लोग के अधिकार के लिए, हम लोग के मान सम्मान के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में कानून लाएगा, हम लोग उसको जिताएंगे, हम लोग उसको सरकार बनाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है, बेटी बचाओ, ये तो इससे बेटी बचाना तमाम वो जो भी है न्यायपालिका है जिसकी लड़ाई माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ते हैं कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, वो तमाम न्यायपालिका पर भारत के तो हम लोग को चूंकि बहुत जल्द हम लोग के बीच जिनको आप सुनने के लिए आए हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आने वाले हैं और मंच पर बहुत सारे वक्ता हैं, मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि बेटी बचाओ का जो नारा है वो इसलिए है कि हम लोग बलात्कारियों से बेटी बचाए, उसके जगह पर उसके एवज में एक जो बाहरी उम्मीदवार है वे जमीन बचाओ की नारा हम लोग के लिए दे रहे हैं। ऐ उजियारपुर के मतदाताओं, जमीन बचा लो, जमीन बचा लो, मतलब है जमीन को बंदी से छुड़ाना है हम लोग को, अपने जमीन के लाल को हम लोग को, स्थानीय प्रशांत कुमार पंकज जी को भारी मतों से जिताना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात आप लोगों को तमाम उपस्थित लोगों को नमस्कार करते हुए और उजियारपुर को फिर से पंखा पर बटन दबा करके पुनः पुनः भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय उपस्थित जनता, जय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जय पंखा। अभी अपने अन्य वक्ता के रूप में अरुण कुमार सिंह जो स्थानीय नागरिकपुर निवासी है उनको आमंत्रित करता है, उसके बाद तैयार रहेंगे अमरेश कुमार मापी। आज नागरिकपुर की पार्टी की धरती पर उपस्थित दूर दूर से आए हुए हमारे मतदाता साथियों, मैं 2020 विधानसभा चुनावी सभा में उपस्थित सभी मतदाता भाइयों को आग्रह विनम्र निवेदन करने जा रहा हूँ, यह चुनावी महासभा साधारण सभा नहीं है। आज की सभा में आप लोगों को सोचना है, यह चुनाव क्षेत्रीय बनाम बाहरी का होने जा रहा है। साधारण चुनाव जब आप पंचायत के मुखिया अगर बाहरी को नहीं जीता सकते, बाहरी को नहीं स्वीकार कर सकते, एक पंचायत के लिए अगर पंचायत में मुखिया चाहिए तो उसके पंचायत का चाहिए, तो क्या आप बाहरी विधानसभा के बाहरी प्रत्याशियों को स्वीकार करना चाहेंगे? ये आप लोगों को सोचना है। एक वार्ड के लिए आपके वार्ड का प्रत्याशी चाहिए, एक मुखिया अगर पंचायत का किसी वर्ग का हो, जब आपका अपना पंचायत का मुखिया हो तो क्यों नहीं अपना आप 39 विधानसभा से
अपना अपने विधानसभा का प्रत्याशी होना चाहिए। एक प्रोग्राम जब मैंने सुना था उजियारपुर के धरती पर बेटा नहीं नेता चाहिए, क्या उजियारपुर की धरती बेटा नेता विहीन हो गई है? जो बेटा उजियारपुर की बेटा का विधानसभा तक नहीं पहुंच सकती, विधायक नहीं बन सकती, सोचना आप लोगों का है। अगर आज नहीं सोचे तो बार बार यही मौका आएगा जो आप लोग सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे। उजियारपुर के लोग, उजियारपुर की जनता सिर्फ कार्यकर्ता का लाने का काम करेगी बल्कि विधायक बनने का काम नहीं करेगी। इसलिए मैं सभी वर्गों किसी जाति धर्म का नहीं कार्य करते हुए सिर्फ सब लोगों को सोच रहा है। आपका स्थायी उम्मीदवार है, एक कहावत देहाती में सुना होगा, भोगत कहीं का हो जलवा घर का होता है। आपको पता है ना, आप लोगों का अगर कोई भी मुद्दा होगा, किसी भी तरह का मुद्दा होगा तो आप विधायक के पास करने जाओगे, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं। अगर विधायक आपका अपना होगा, आपका नजदीकी होगा तो आप बुलाओगे, आपके विधायक आपके क्षेत्र में आएंगे, आपका सुख और दुख सुनेंगे और सुनाएंगे। जो मुद्दा होगा वो जाकर विधानसभा तक करने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसा विधायक चाहिए जब सब लोगों को बीच में आके सुख और दुख को सुने, जानकारी ले और उसे विधानसभा से पारित करके जनता के बीच में जानकारी। ऐसे ऐसे प्रत्याशी है आपके प्रसाद कुमार पंखा जी, जिनका चुनाव चिन्ह है पंखा था, तो सोच विचार में नहीं पड़ना है। आपका अपना बेटा, आपका क्षेत्रीय नजदीकी, अगर गाँव से भी होंगे तो इनका घर बगल में है, लगभग यहाँ के जितने भी उपस्थित लोग है सबको मालूम होगा जो बगल में है। अगर किसी भी कार्य की जरूरत पड़ेगी तो आपको महुआ जाने का दूर नहीं जाना पड़ेगा। और ये बात नहीं है कि कोई भी लोग जाकर इनसे मिलकर के अपने सुख और दुख शामिल कर सकते हैं और उनमें ये उपस्थिति दर्ज करने का काम करते हैं। अतः मैं सभी तमाम दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ता एवं मतदाता बंधुओं से अनुरोध करना चाहूंगा, आपका अपना बेटा, आपका अपना घर का प्रत्याशी है, आप शिकवा शिकायत भूल करके और उन्हें विधानसभा तक पहुँचाने के लिए संकल्प लेंगे। साथ में आप अपने अपने पड़ोसी, अड़ोसी, माता बहनों, साथियों सभी के सभी को कहेंगे, आपका अपना बेटा है, आपका अपना घर का है, इन्हें ही वोट देना है। इनका चुनाव चिन्ह पंखा चाहता है, जो कि चुनाव चिन्ह अभी आपके हर हर चौकी से लेकर भारत तक सभी के घरों में मौजूद होगा, जिनका चुनाव चिन्ह पंखा चाहता है। अतः अनुरोध करना चाहूंगा पंखा चाप पर अपने और अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी माता बहनों को बताए, समझाए और उन्हें वोट देने के लिए बताए। इसी के साथ मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है, पांचों तीन तारीख को चुनाव, तीन तारीख को जाकर के वोट मतदान करना है। अतः तमाम लोग अपने अपने बूथ पर जाएंगे और जाते ही सभी लोगों को जाने से पहले बता देंगे, जो आपका अपना चुनाव चिन्ह, अपने घर का अपना चुनाव चिन्ह पंखा चाप है, उन पर ही वोट देना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हेलीकॉप्टर का कौन चीज का अभी कुछ क्षणों में हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच